अब दोस्तों इतनी कार्रवाई होने के बाद में अपना रोटावेटर जोड़ के चल दिए हैं खेत में से, और यहाँ बाबा भी छोल के घर जा लिया है खाना खाने नहाने, क्योंकि दोस्तों अब दोपहर होने लगी है, खेत में मन नहीं लगता है। और बाबा की आज भी सीढ़ी वाली वीडियो नहीं बनी है, थोड़ा ही बाढ़ रह गया है बनने का, देखें आप। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं टलका रहा हूँ, लेकिन बनानी तो पड़ेगी, इसलिए चलते हैं रोटावेटर को। तो आप ज़रूर बताएं वीडियो में, कमेंट अपनी दें कि यूवो टेक का मॉडल ये तेरे के टेरों वाला आपको कैसा लगा। हमें तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, चलाने में बढ़िया लगा, और आपसी बात इतनी अच्छी बना के रखें कि जो भी बात है, जो भी खूबी है किसी चीज़ की, वो निकल कर सामने आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बुराई करने में, बहुत ज़्यादा चिढ़ने में, या एक दूसरे को गलत बोलने में कुछ नहीं रखा। एक ही जीवन मिला है आपको, उसी में आपको अच्छा बुरा जो भी कर सकते हो आप, वो आपको करके जाना है। अब ये देखें, मैसी का जो ट्रैक्टर है ये अपनी जगह अच्छा है, लेकिन वो जो ट्रैक्टर है उसमें अपनी खूबी है, वो अपनी जगह अच्छा है और बहुत बहुत शानदार। और आपको एक काम की चीज़ दिखाता हूँ थोड़ी देर में। दूसरे पानी चल रहा है सामने खेत में, अब जो है डेली पानी चला करेगा, पेड्डियों में जितनी सुखानी थी सुखा ली। और दोस्तों ये अपने ही भाई हैं गांव से ही, देखो ये कितनी अच्छी गायें पकड़ के लाए हैं, देखो कितनी शानदार शाहीवाल, ये देखें आप। इनके पास जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखो दंगा कर रही है। ट्रैक्टर लेके चलता हूँ दबा के, आगे से आपको दिखाता हूँ। फिर साहीवाल है जिसकी आंखें काली होती हैं, बहुत बहुत शानदार, बड़ी प्यारी ज्ञापन, बड़ी प्यारी ज्ञापन गायें हैं। खेत का देखे कैसा मजा आ गया है, ट्रैक्टर चलते चलते थक रहे हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों इसी तरह मैं थका मांदा, जैसे वर्ड बोलते भी हैं कि थका मांदा, मैं पहुंच लिया हूं। दोस्तों मैं पहुंच लिया हूं धीरे धीरे गांव में। आज का भी दोस्तों शेड्यूल काफ़ी टाइट रहा, काफ़ी थकाने वाला रहा, लेकिन कोई नहीं, जितने थकेंगे वही मजाक वाली बात कि जितने थकेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। मोह माया, पैसे की मोह माया। तो आखिर तो बच्चे आ गए हैं, बच्चे क्रॉस हो गए हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। दोस्तों गांव के बच्चे मेरे से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ में कॉमेडी करता रहता हूँ। इसी के साथ में धीरे धीरे गीत गाते हुए, नींद लेते हुए, ट्रैक्टर पे नींद आ रही है बैठे बैठे, लेकिन कोई नहीं, घर जाकर रोटी भी मिलेगी, खटिया भी मिलेगी। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, पूरा गांव सोया पड़ा है, डॉक्टर साहब की दुकान भी बंद है, और मोटरसाइकिल पडिंग करके आ गई है। आखिरकार घर पहुंच लिए हैं धीरे धीरे। राम राम। हवा ने रास्ते बिल्कुल साफ कर दिए हैं बढ़िया तरह से, पछुआ हवा हमेशा रास्ते बिल्कुल साफ कर देती है। तो अब मुझे यहाँ से चढ़ा के बैग लेना पड़ेगा ट्रैक्टर। मामी जी नमस्ते, लाओ हमारे वास्ते, और दोस्तों यहाँ से ही सब बैक में लेंगे। दोस्तों ट्रैक्टर घर ला के बंद कर दिया, बोला भी नहीं जा रहा, इतनी थकावट हो गई है कई दिन में, लेकिन कोई नहीं, अपनी शारीरिक क्षमता का पता भी ऐसे चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा शरीर कहाँ स्टैंड कर रहा है। और ट्रैक्टर से उतरते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों जूते निकाल लेते हैं यहाँ। ओहो हो, रे रे रे, बड़ा आराम मिला। और
दोस्तों बहुत तेज़ धूप थी आज, बहुत ज़्यादा तेज़, कुछ नहीं कह सकते। बबलू भाई भी बेचारे ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और दो मिनट ये अभी के यहाँ से खिलौने हटाते हुए यहीं के यहीं एकदम से अभी यहाँ खेल रहा था, अभी आया था। ओहो ओहो हो दोस्तों, चप्पल निकालते हुए दो मिनट यहाँ सुकून ले लेते हैं, चाबी रख लेते हैं। ओह माय गॉड। और दोस्तों दोपहर में आराम कम ही मिल पाया, डोल दीदी नहीं रुक रही हैं, वो साथ के साथ ही जा रही हैं क्योंकि गुड्डे का स्कूल भी है, फिर वहाँ कोई करने वाला नहीं है। और भाई साहब का जैसे आपने पहले देखा था, उन्हें सुबह शाम दवाई देनी पड़ती है, वो अपने आप लेते नहीं, सीरियस नहीं होते। तो दोस्तों ये चाबी गाड़ी की उठा लेते हैं, कुछ सामान भी लेकर आना है वहाँ से मोदीपुरम से। सब जो है गाड़ी में बैठ लिए हैं, थोड़ी देर के लिए गाड़ी ड्राइव करेंगे। आराम से हंसिका, चोट लग जाएगी बैठे। चलो जी चलो चलते हैं। दीदी नमस्ते, लाओ हमारी बस्ती। मैं दीदी को छोड़ने जा रहा हूँ और देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बार बारिश से इतना सीजन लेट हुआ कि ये देखें, ये बिट्टू भाई के खेत में अब तक गन्ना जो था एक एक फुट का हो जाता आलूओं का। अप्रैल चल रहा है और ये देखें इधर इनका बिट्टू भाई का फार्म ट्रैक चल रहा है खेत में, और इधर भी ये खेत खोद दिया इन्होंने बराबर वाला। लेकिन दोस्तों बहुत बहुत लेट हुआ कि, लेकिन फिर भी किसान करेंगे बेचारे, इतने बोर्ड इन्होंने सब उठा दिए, पोगे वोगे सब छुड़वा के काफ़ी किसान देखो परेशान रहे। कितनी ज़्यादा परेशानी किसान भाइयों को, देखो लेबर चल दी है खोद के आलू भर के। तो किसान भाइयों ने तीन बार झटके करे, अब तीसरी बार में चौथी बार में जो इनका आलू है ये भर के अब चले हैं किसान भाई। देखो बेचारे जमीन भी महंगी बोई है ठेके पे लेके, और ये देखें कितना ज़्यादा नुकसान किसानों को इस बार आलू में है, और आलू पिटा भी। और दोस्तों ये बारिश का पिटा हुआ आलू स्टोर में जाके गलता भी है। और फिर ये यहाँ यूनिवर्सिटी का फार्म शुरू हो गया है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जितनी भी ज़मीन है सबकी बाउंड्री हो गई है, कोई ज़मीन जो है बच नहीं रही है बिल्कुल भी किसी भी तरह से। ये अब इन्होंने स्कूटरों में मोटरसाइकिलों में क्या कर दिया है, लाइट जलती रहे इनकी आँख फोड़ दे, पीछे तो नहीं आ रहा कुछ। अब दोस्तों थोड़ी देर दीदी को और गुड्डे को सामान दिलवा के बस यहीं बिल्कुल डिफेंस कॉलोनी के कोजी कॉलोनी के सामने खड़े हैं, सामान दिलवा के। अब गुड्डा खुश हो गया है और स्मार्ट बॉय और दीदी भी पूरी खुश हैं। दीदी जी नमस्ते। और दोस्तों दीदी नमस्ते कर बस्ते इनके वहाँ रख के कोठी पे अपना चल रहे हैं फटाफट, बच्चे वेट कर रहे हैं घर पे, फोन आ रहे हैं बार बार। दोस्तों मैं जो है जल्दी के मारे चाय भी नहीं पी सकता उतर के यहाँ, बस इनका सामान ही उतारना है मुझे ज़रा सा। नमस्ते जी। नमस्ते आंटी। दोस्तों मैं इधर मोड़ के खड़ी करी है बुग्गी बन्ने, घर में ट्रैक्टर अड़ा खड़ा है, वहां शायद बबलू भाई टीलर लेने जा रहे हैं खेत में। अब हटा देंगे दोस्तों इसे भी। दोस्तों सामने मम्मी अपनी मच्छरदानी कर रही है, और अब गाड़ी की जो है लाइट बंद कर देता हूँ, फिर इसे गाड़ी को बंद कर देता हूँ, चाबी निकाल ली है हैंड ब्रेक इसके खींच देते हैं। दोस्तों ठेकेदारों के लिए कोल्ड ड्रिंक आई है, आप भी कोल्ड ड्रिंक आए ले ले, घर में तो कोई काली कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं, कम पीते हैं। अंशी का बर्थडे केक है, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं अंशी के केक की, आप भी आ जाओ केक खा लो। पीछे दोस्तों ठेकेदारों के लिए बर्गर भी हैं, कुछ केक भी जाएगा, कुछ ये बर्गर भी जाएगा, पीछे से आपको दिखाता हूँ। 15-20 बर्गर भी आए हैं आज इन्होंने। पानी पटाखों की मना कर दी थी कि पानी पटाखे नहीं लाना, बर्गर लाना, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया बर्गर। तो दोस्तों इसी के साथ में दिन पूरा हुआ, काफ़ी थकाने वाला शेड्यूल रहा। इससे पहले आप मेले की वीडियो देख ही रहे हैं, आपको अच्छी लगी होंगी, धन्यवाद, जुड़े रहिए। दोस्तों पापा जी यहाँ अपनी बेंच पे एक्सरसाइज कर रहे हैं हल्की हल्की, क्योंकि दोस्तों मकान बनने के चक्कर में ये एक्सरसाइज का सामान हमने इधर उधर फेंक दिया था, पापा की एक्सरसाइज छूट गई थी। पापा को पुरानी आदत थी बचपन के टाइम से ही वर्जिश करने की, अब पापा ने हद दोबारा शुरू करी है, लेकिन दोस्तों इतना फर्क पड़ गया, देखो वेट निकल गया, नहीं तो पापा करीब 75 से 85 किलो की बेंच प्रेस मारते थे,
और कंधे पर रख के भी बैठक मार देता, तो इतनी प्रैक्टिस थी कि रात को चाहे 1 बजे भी आए वर्जिश करी। लेकिन दोस्तों एक्सरसाइज छूटते ही सब गड़बड़ हो गया, लेकिन दोबारा से करेंगे, चलो कोई बात नहीं। बबलू भाई जो है टीलर लाए और टीलर पे ही इन्होंने गोले लाने का फैसला किया, ये बहुत अच्छा कदम उठाया। और अब चलते हैं, बबलू भाई सब ठीक है? आपको हार्दिक शुभकामना। तो मतलब मेरे जाने के बाद उठा था, गैली उठ गया था? नहीं, दोस्तों डोली दीदी को मैं ले आया था, लेकिन बबलू भाई को छोड़ने जाना था। और बबलू डोल दीदी ने पता क्या कमाल करा, वे तो मोदीपुरम उतरी ना गाड़ी में से, वे तो मोदीपुरम उतरी ना, वे तो मुझे गंगानगरी छोड़ करने पड़े। हाँ गंगानगरी है, इसका क्या मतलब है? अब तो तू मैं वही छोड़ का, यो लाल लाइट कौन मार रहा लेजर की यहां से? चोर छुपक्की। नमस्ते जी। और छोटी गुड़िया अंशिका गुड़िया, दोस्तों बच्चे हमारे जो है ना अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं है मम्मी भाई, हमने और हमारी मम्मी ने और हमारे पापा ने कितनी मेहनत करी है, हमारे बच्चे तो समझते हैं कि हम तो बहुत अमीर हैं। दोस्तों ये 10-20 लाख की बात ऐसी करते हैं मजाक को, मई 10-20 लाख की गाड़ी क्या हो, 5-7 लाख की घूमने का बात क्या हो? दोस्तों ये देखो, पर दोस्तों ये नसीब ही होते हैं कि हमारे पापा जी ने बड़ा स्ट्रगल किया, क्योंकि हमारे पापा जी जो थे जब हमारे पापा 1.5 साल के थे तब वो गुजर गए थे। तो दोस्तों उनकी कमी आज तक एक तो उनका जीवन, फिर हमारे पापा का जीवन और हमारा, उनके बिना हमारी 3 पीढ़ियों बहुत अधूरी रहेगी। बहुत बहुत जीवन में हमें खेत रहा, नहीं तो हमारे बाबा जी के सपने थे कि पिक्चर हॉल भी हो, मैरिज होम, उस टाइम पे भी शुगर मिल लगाने की उनकी सोच थी, और मतलब पता नहीं। और दोस्तों जो हमारा पुराना पुश्तैनी मकान है उधर दिखाऊंगा आपको, उसकी मतलब जो ईंटें उन्होंने खुद ही पाती थी, भट्टी लगाई थी अपने आप ही, और 12 पे हमारे पे कोल्लू कले सर चलते थे, जमीन ने बहुत थी, फिर उनके गुजर जाने के बाद में बहुत जगह बहुत गमों में जमीन रहेगी। लेकिन दोस्तों कोई नहीं, अब भी अपने पास में बहुत कुछ है, और आगे कुछ ये है कुछ और बढ़ाने की कोशिश चल रही है धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों इंसानी क्षति बहुत मुश्किल होती है, वो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास में हमारे मम्मी पापा अभी तक हैं, और आगे भी ऊपर वाले की मेहर रही, प्रभु की इच्छा रही तो लंबे टाइम तक अभी हम सब साथ ही हैं, आप भी हम भी और सब पूरा परिवार ही है, ये हमारा सब यूट्यूब परिवार ही है। तो दोस्तों कोशिश आगे चलती रहेगी, दिन ये काफ़ी थकाने वाले हैं, बस आगे काम निपटते ही जा रहे हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे हम उधर वहाँ। अब वे जाके दादू का शैतान पार्टी दादू के चिपट गई है। अब दोस्तों फाइनली बबलू भाई ट्रैक्टर लेके आ गए हैं, और ये देखें इसकी आवाज़ कितनी तकड़ी है उसके महिंद्रा के मुकाबले, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, ओवर स्मार्ट। ये देखें ये भी अपनी जगह बहुत दबंग ट्रैक्टर है, लेकिन उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक अलग ही तरह का ट्रैक्टर है, स्मार्ट मॉडल है, बहुत बहुत बढ़िया है। बंद कर दे, अड़ाया दौड़ेगा। दोस्तों अब जो है कपड़े बदल के कुट्टी काट लेते हैं फटाफट। और दोस्तों इसी के साथ में वीडियो चल रही है। नहीं बेटा, वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ सही नहीं है, थोड़ा बहुत ही आराम आराम से खाओ। भाई आज जो है हमारे अंश का जन्मदिन है, और ये देखे बच्चों ने कितना सुंदर घर सजाया, लेकिन बुआ थोड़ी जल्दी चली गई। चलो अंश जो है आशीर्वाद दे रहा है, अपने कुर्ते बांध रहा है। ओहो, कुर्ता दोनों साइड से कुर्ता बांध दिया पापा का। दोस्तों आप भी आ जाओ, केक खा लो, छोटा सा बच्चे केक आने लगा है बच्चों का। ये चक्कू भी तोड़ दिया था पहले ही, कोई बात नहीं। तो दोस्तों बच्चे ऐसे खुश होते हैं, बच्चों ने आ लगा लिए थे, बहुत बढ़िया बोल भाई ने, बहुत बहुत शानदार। छोटी छटंकी भी आ गई है, उठ के आ गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।